नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 19 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, भाग्य के भरोसे न रहें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि भाग्य स्वयं बहुत आलसी होता है। आप दूसरों पर थोड़ा अधिक खर्च कर सकते हैं और अपने आप में दोष खोजने के लिए विवादों, मतभेदों और दूसरों की आदत पर ध्यान न दें। वृषभ राशि, आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और उधार दिया हुआ धन भी वापस होगा। व्यापार में लाभ मिल रहा है और खास लोगों से भी मुलाकात होने के आसार हैं। परिवार में सहयोग मिलेगा और शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पुराने अटके हुए काम भी पूरे होंगे आज। मिथुन राशि, आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। वाहन, मशीनरी या आग का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी है। मानसिक शांति के लिए आज आप किसी परोपकारी कार्य में शामिल होंगे। छात्र जातकों को आज एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ सकता है। अगली राशि है कर्क राशि। तनाव का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आज आप दूसरों की सलाह मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान लगभग तय है, लेकिन आज दूसरों के मामलों में दखल बिल्कुल नहीं देना है, उससे बचना है। भावनात्मक उथल पुथल भी आपको परेशान कर सकती है। सिंह राशि, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज बाहर तेज धूप से परेशानी भी हो सकती है और कुछ कार्यों में रुचि न होने के कारण आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं और एक बार में एक से अधिक काम करने का प्रयास विफल भी हो सकता है। कन्या राशि, आज कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं और इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है। व्यवसाय में भी कोई नई योजना लागू हो सकती है। हर बड़ा काम आज कंप्लीट होगा, पूरा होगा। नए कार्य भी हाथ में लेंगे तो उसमें भी सफलता जरूर मिलेगी। तुला राशि, अगर आप बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं तो बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। उनका प्यार भरा आलिंगन और मासूम सी मुस्कान जो है वो आपकी सभी परेशानियों का अंत कर देंगी। घरेलू सुख सुविधाओं की चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। वृश्चिक राशि, आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका रुका हुआ काम जल्द ही पूरा हो जाएगा और आप सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे। इस राशि के छात्रों को वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी पहले से काफी सुधार होगा। धनु राशि के लिए आज का राशिफल कहता है कि आज आपको पार्टनर से सहयोग और धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में नई योजनाएं बन सकती हैं और सफलता के नए रास्ते मिलेंगे, जिसका पालन करके आप सफलता का एक नया कीर्तिमान बना सकेंगे। सावधानी रखें क्योंकि प्यार में पड़ना आज आपके लिए दूसरी मुश्किलें खड़ा कर सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए आपकी शाम कई तरह की भावनाओं से घिरी हो सकती है और इसलिए तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी खुशी आपको आपकी निराशाओं से ज्यादा खुशी देगी। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्च और बिल आदि का ध्यान रखेगा। कुंभ राशि, आज सहकर्मी और परिवार के सदस्य आपकी मदद करेंगे। ऑफिस में भी कोई शुभ समाचार मिलेगा। व्यावसायिक मामलों में जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा और आज आप नई चीजें खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बारी आती है मीन राशि वालों की, तो आज मीन राशि वाले पैसों के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। दांपत्य जीवन में आज नया मोड़ आएगा और आपको अपने जीवन साथी की अहमियत का पता चलेगा। आज शुरू किया गया काम अधूरा रहेगा, लेकिन नौकरी में बदलाव से मानसिक संतुष्टि मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र से। चलिए जानते हैं कि आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, 10, 19 और 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं और आज आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को आप अनुभव करेंगे इनके तेज की तरह। घरेलू कामों को भी पूरा करना आज आपके लिए प्राथमिकता रहेगी। नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे हैं उन व्यक्तियों को आज सफलता जरूर मिल सकती है। उपाय भी करें, आदित्य हृदयम का पाठ करें।
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं। व्यापार में नई योजनाओं को लागू करें जिसमें आपको पूर्ण सफलता भी मिलेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। उपाय भी करें, पीपल के वृक्ष पर दूध अर्पित करने से सकारात्मक फल। मूलांक 3, 3, 12, 21 और 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। कार्य क्षेत्र में आज आपका सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा इनकी दया से, और विद्यार्थी आज पढ़ाई में ध्यान एकाग्र करने में सफल रहेंगे। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है आज। उपाय कर सकते हैं, माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। मूलांक 4, 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं और आज अफवाहों से दूर रहने की आपको कोशिश करनी है। व्यापार में भी कुछ पूंजी निवेश करने का आज मन बन सकता है आपका। किसी नई योजना को स्वरूप देने के लिए आज का दिन उत्तम है, परंतु आज किसी नए काम को क्रियान्वित बिल्कुल ना करें। किसी नए काम की शुरुआत करने से बचना है। उपाय के तौर पर तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। मूलांक 5, 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज आपकी वाणी में मधुरता रहेगी जिस कारण आपसे आसपास के लोग आकर्षित होंगे। आज कुछ धन संचित करने में भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में आपकी बुद्धिमत्ता के कारण कोई नुकसान लाभ में बदल सकता है, अच्छी बात है यह। और उपाय भी कर सकते हैं, मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। मूलांक 6, 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्रदेव करते हैं। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और युगल प्रेमियों को बेकार के विषयों में चर्चा करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आज आप अपने विरोधियों और शत्रुओं को नियंत्रण करने में सफल रहेंगे। उपाय कर सकते हैं, गाय को गुड़ खिलाएं। मूलांक 7, 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। पदोन्नति के साथ कार्य क्षेत्र में किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आज आपको मिलेगी। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है और संतान की उच्च शिक्षा को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है। उपाय करें, काले सफेद तिल को शिवलिंग पर अर्पित करें। मूलांक 8, 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। नौकरी के साथ छोटा मोटा कोई व्यापार करने का मन आपका बन सकता है और घर में कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं जिनको आप बखूबी पूरा करेंगे। कुछ दिनों से चल रहा मानसिक तनाव आज दूर होगा। उपाय, काले और नीले रंग से परहेज करना है। मूलांक 9, 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। घर में मेहमानों का जो आगमन है वो होता रहेगा और प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी भी मिलेगी। मकान निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है और आपके सकारात्मक व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। उपाय के तौर पर सात्विक भोजन ग्रहण करें, जरूर अच्छे लाभ मिलेंगे। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 19, 2023 गुरुवार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:29 पर, सूर्यास्त शाम 5:54 पर, चंद्रोदय 19 अक्टूबर सुबह 10:36 पर, चंद्रास्त 19 अक्टूबर रात 9:17 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पंचमी 19 अक्टूबर रात 1:12 से 20 अक्टूबर रात 12:31 तक, शुक्ल पक्ष षष्ठी 20 अक्टूबर रात 12:32 से 20 अक्टूबर दोपहर रात 11:25 तक। नक्षत्र ज्येष्ठा 18 अक्टूबर रात 9 से 19 अक्टूबर रात 9:03 तक। मूल 19 अक्टूबर रात 9:03 से 20 अक्टूबर रात 8:41 तक। करण का समय होगा बब 19 अक्टूबर रात 1:12 से 19 अक्टूबर दोपहर 12:55 तक। बालव 19 अक्टूबर दोपहर 12:55 से 20 अक्टूबर रात 12:32 तक। कौलव का समय 20 अक्टूबर रात 12:32 से 20 अक्टूबर दोपहर 12:01 तक। योग सौभाग्य 18 अक्टूबर सुबह 8:18 से 19 अक्टूबर सुबह 6:54 तक। शोभन 19 अक्टूबर सुबह 6:54 से 20 अक्टूबर सुबह 5:08 तक। अतिगंड 20 अक्टूबर सुबह 5:08 से 21 अक्टूबर रात 3:02 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:37 से दोपहर 3:03 तक। यमगण सुबह 6:29 से सुबह 7:54 तक।
कुलिक का समय सुबह 9:20 से सुबह 10:46 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 10:17 से सुबह 11:03 तक एवं दोपहर 2:51 से दोपहर 3:37 तक। वर्ज्यम का समय शाम 7:06 से रात 8:41 तक। आइए जाने शुभकाल के मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:49 से दोपहर 12:34 तक, अमृत काल का समय दोपहर 12:14 से दोपहर 1:50 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:52 से सुबह 5:40 तक। ये तो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ के जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव ना हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह ना हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है, जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।
इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर हर साल अनगिनत लोग यहां आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णो मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपन्न मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयकारी अस्त्र भी थे, तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु पांच सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदगी गदा। कौमोदगी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदगी ज्ञान बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदगी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वही कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अथवा समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढ कर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरुण, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता सभी राशियां अग्नि, ऋतवे, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल,
गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वही सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते, श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती है। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु, हर जगह विराजमान करने वाला, पशुत्कार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत्त प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत, सभी प्राणियों के रचयिता। भूतवृत्त, सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भाव अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा, शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष, हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज, गरुड़ पर सवार होने वाले। योग, श्रेष्ठ योगी। योगाविंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुषेश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व, बाढ़ में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थित रहने वाले। भूतादि, सभी को जीवन देने वाले। निधिर व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव, सभी घटनाओं में स्वामी। भावन, भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता, संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु, सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु। ईश्वर, पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाले। शंभू, खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग्गीनाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।